स्वागत है दोस्तों आपका एन के क्लासेस में। आज हम प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की जो सेकेंड मेथड है ग्राफिकल मेथड वो देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने एनालिटिकल मेथड का जो सेकेंड केस है वो देखा था। सो एनालिटिकल मेथड जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमने दो केस पढ़े हैं। फर्स्ट जो केस होता है उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेस लगती है और किसी अदर प्लेन पे हमको नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड करनी होती है। जो उसका सेकेंड केस होता है उसमें हमको एक कोई दूसरा प्लेन दे रखा होता है और उससे हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस मेजर और माइनर फाइंड करना रहती है। तो वो हमने दोनों केस देख लिए थे। अब वो हमने जो सोल्व करे थे वो हमने करे थे एनालिटिकल मेथड से। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ग्राफिकल मेथड है। मीन्स वही जो क्वेश्चन है वो हम ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम ग्राफिकल मेथड से उनको कैसे सोल्व करते हैं। सो ग्राफिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन। अब इसमें भी वही दो केस है हमारे। तो हम फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं जिसमें जो हमारा ब्लॉक होता है उस पर कौन सा स्ट्रेस लगता है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लगती है। सो ये हमारी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड ये हमारी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। और हमको किसी थीटा एंगल पे जो हमारा ऑब्लिक सेक्शन होता है उस पर हमको नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड करना होता है। तो हमने उसको अलग से रिप्रेजेंट कर दिया इधर, जो कि जो एफसी हमारा ये क्या है हमारा ऑब्लिक सेक्शन। सो ये हमारा सिग्मा वन लग रहा है, ये हमारा सिग्मा टू लग रहा है और ये हमारा थीटा है जो कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस से कितने डिग्री है थीटा डिग्री है। लेट सिग्मा वन इज इक्वल्स टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा टू इज इक्वल्स टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड थीटा इज एंगल विथ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सो इसको हम मोहर सर्कल मेथड से कैसे करते हैं। जो ग्राफिकल मेथड है उसमें हमारे पास एक मेथड होती है मोहर सर्कल मेथड, उससे हम कैसे फाइंड करते हैं नॉर्मल टेंजेंशियल रिजल्टेंट जितने भी हमने एनालिटिकल मेथड से फाइंड करे थे। तो वो हम देखते हैं कि डायरेक्ट ग्राफ के मदद से हम उनको डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से हम एक सर्कल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मोहर सर्कल। और डायरेक्टली हम सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा टी टेंजेंशियल स्ट्रेस, आर रिजल्टेंट स्ट्रेस, सिग्मा आर लिख लेते हैं इसको, सिग्मा आर रिजल्टेंट स्ट्रेस, फाई जो होता है हमारा एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, वो डायरेक्ट हम इस सर्कल की मदद से फाइंड कर सकते हैं। और ये जो सर्कल है ये हमारा कहाँ पे बनता है, ग्राफ पेपर पे बनता है। तो ग्राफ पेपर पे हम डायरेक्ट रीडिंग लिख लेते हैं और उस रीडिंग की मदद से हम ये सारी जो वैल्यूज है वो फाइंड कर लेते हैं। तो अब समझते हैं कि ये जो सर्कल है ये बनता कैसे। सो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन, तीन इन्फॉर्मेशन गिवन है बेसिकली। सिग्मा वन हमारे पास गिवन रहेगा, सिग्मा टू हमारे पास गिवन रहेगा एंड थीटा हमारे पास गिवन रहेगा। तो ये हमारा जो है ये जीरो जीरो जो है ये हमारा ओरिजिन है। अब ओरिजिन से हम एक एक्सिस पे सिग्मा वन एंड सिग्मा टू क्या कर लेंगे, डिनोट कर लेंगे और उसको मेजर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो सिग्मा वन की वैल्यू हमारे पास ज्यादा रहती है 120, 100 ऐसी रहती है और जो ग्राफ पेपर है वो हमारा इतना बड़ा नहीं होता है। तो उसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे गाइस, स्केल कंसीडर करेंगे। अब स्केल जो है वो हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिससे कि अगर हमारे पास वैल्यू होगी 100 तो वो कितने सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी गाइस, 10 सेंटीमीटर में। सो ये हम इस तरीके से स्केल ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक स्केल कंसीडर करनी है जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ताकि हम उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर सके। सो सिग्मा वन हमने निकाल लिया स्केल की मदद से जितना भी आ रहा है, तो उसको हम एक्स एक्सिस पे लिख देंगे। फिर सिग्मा टू जो है हमारा वो हम स्केल की मदद से निकाल लेंगे और उसको भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे एक्स एक्सिस पे। नाउ अब जो आपका जो एंगल होता है थीटा, वो हम यहां से उसको ट्वाइस कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा 2 थीटा। सो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हमको थीटा नहीं लेना है, क्या लेना है, 2 थीटा। मान लीजिए आपका अगर थीटा है 40 डिग्री तो आप उसको 2 थीटा कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो 80 डिग्री।
सो आपको मेजर कैसे करना है, जो भी आपका एक्स एक्सिस है वहां से आपको कितना मेजर करना है, 2 थीटा, और ये जो है ये आपका सेंटर है इस मोहर सर्कल का। सो सेंटर हम इजीली निकाल सकते हैं, तो हमने सेंटर निकाल लिया और फिर वहां से कितना मेजर कर लिया, 2 थीटा। अब हम जब 2 थीटा मेजर करेंगे तो ये मोहर सर्कल को कहीं ना कहीं कट करेगा। अब ये जहां पे भी कट कर रहा है गाइस, तो सबसे पहले हमने मोहर सर्कल ड्रॉ कर लिया σ1 एंड σ2 की मदद से, एक सेंटर ले लिया, सेंटर की मदद से हमने एक मोहर सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास एक एंगल गिवन है थीटा, उसको हम 2 थीटा कर लेंगे और सेंटर से हम उसको क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो जैसे हमने मेजर करा तो वो मोहर सर्कल को कहीं ना कहीं कट करेगा, जहां पे भी कट कर रहा है वहां से हम प्रोजेक्शन लेंगे, एक तो एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। सो ये वाली जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं σt। ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको नाम दे देते हैं एफ, इसको नाम दे देते हैं जी, इसको नाम दे देते हैं हम ओ। सो ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी fg, ये कितनी हो जाती है, σt। और ओ और जी, ओ और जी कितनी हो जाती है हमारी, σn। सो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी गाइस, σn। ये ओजी है, ये कितना हो गया हमारा σn, और fg है वो कितना हो गया, σt। नाउ जब हम ओ और एफ को कनेक्ट करेंगे तो ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है इसको हम क्या देते हैं, σr, मीन्स ये हमारी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट। सो ये σr हमारी क्या हो गई, रिजल्टेंट। और ये जो ओ एफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, φ। सो बहुत सिंपल है ये वाला केस, बहुत इजी होता है गाइस, हमको कुछ नहीं, σ1 एंड σ2 रिप्रेजेंट करना होता है एक्स एक्सिस पे। जैसे हमने रिप्रेजेंट करा तो दोनों की मदद से हम एक क्या कर लेंगे, ये हमारा डायमीटर हो जाएगा, तो दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, मोहर सर्कल। अब जो सेंटर आएगा हमारा, सेंटर हम मेजर कर सकते हैं σ1 - σ2/2, तो ये जो हमारा सेंटर आएगा इससे हम 2 थीटा मेजर कर लेंगे और वो मोहर सर्कल को कट करेगा। फिर वहां से हम प्रोजेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये जो हो जाएगा वो fg हो जाएगा और उसको हम क्या बोलते हैं, σt। और ये वाली जो डिस्टेंस है og, ये हमारी क्या हो जाएगी, σn। of हमारा क्या हो जाएगा, σr। और ये जो एंगल बन रहा है ये रिजल्टेंट से, वो क्या हो जाएगा हमारा, φ, एंगल ऑफ ऑब्लिगुइटी। अब हम इनको डायरेक्ट स्केल की मदद से मेजर कर सकते हैं, और जैसे ये मेजर हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो σt है वो कितना आ रहा है, 3.5, जो आपका σ3 है वो कितना आ रहा है, 3.5 सेंटीमीटर। अब आपने जो स्केल ली है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 Nm², तो आप डायरेक्टली इसको किससे इंटू कर देंगे गाइस, 10 से, तो आपका कितना जाएगा, 35 Nm². तो ये हमारा डायरेक्टली क्या आ गया, σt आ गया, बिना कोई न्यूमेरिकल मेथड करे, मीन्स हमने इसमें कोई फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट हमने एक ग्राफ पेपर की मदद से उसको मेजर करा और हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। तो ये वाली जो मेथड होती है ये ग्राफिकल मेथड होती है। आप इसके जो आंसर्स आ रहे हैं इसको आप एनालिटिकल मेथड से चेक भी कर सकते हैं, जो आंसर आएंगे वो सेम ही आएंगे। सो गाइज इसका एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से ये क्लियर हो सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको σ1 दे रखा है 120, σ2 दे रखा है 60 और आपको एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और आपको नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस एंड एंगल ऑफ ऑब्लिगुइटी फाइंड करना है। सो ये हमारा फर्स्ट केस है, तो यहाँ पे हम σ1 σy क्यों नहीं लिख रहे हैं गाइज, क्योंकि यहाँ पे आपका जो शियर स्ट्रेस है वो कितना है, 0 है। तो अगर शियर स्ट्रेस 0 होता है तो वो प्लेन हमारा कौन सा होता है, प्रिंसिपल प्लेन, और उस पे जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है वो होती है हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को हम σ1 एंड σ2 से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम अब हमारा जब हम सेकेंड केस देखेंगे उसमें हम टाउ कंसिडर करेंगे, और जब हम टाउ कंसिडर करेंगे तो वहां पे जब हम स्ट्रेस लेंगे वो हम क्या लेंगे, σx एंड σy। तो बहुत कंफ्यूजन होता है गाइस कि σ1 σx इन दोनों में क्या अंतर है, तो बहुत माइनर सा अंतर है, दोनों ही डायरेक्ट स्ट्रेसेस होती है, पर जो प्लेन है वो अलग अलग होता है। σ1 जो प्लेन है वो प्रिंसिपल प्लेन होता है, और σx का जो प्लेन है वो अदर देन प्रिंसिपल प्लेन होता है। तो कंफ्यूज ना होइए, मैंने बार बार ये चीज बताई है ताकि आपको कभी भी जब आप न्यूमेरिकल करो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो।
बहुत सारी बुक्स में सिग्मा वन ही चलता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है, बट हमको ये अलग अलग लेना है। सिग्मा वन तभी लेना है जब वो प्रिंसिपल स्ट्रेस हो, उसको हम सिग्मा एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि सिग्मा एक्स हमने क्या कंसिडर करा है, जो कि अदर देन प्रिंसिपल प्लेन हो या अदर देन प्रिंसिपल स्ट्रेस हो। तो ये याद रखें कि हम सिग्मा एक्स और सिग्मा वन कब कब लिखते हैं। सिग्मा वन प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है, तो जब भी आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस बोला गया है तब भी आप सिग्मा वन लिखें, और प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं बोला गया है तब आप क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स। और ये हम कैसे पहचानेंगे कि सिग्मा एक्स सिग्मा वन क्या लिखना है, तब अगर आपका टाउ जीरो है उस प्लेन पे तो वो होती है सिग्मा वन और सिग्मा टू। जैसे इस क्वेश्चन में आपका जो टाउ है वो क्या है, जीरो है, यहाँ पे टाउ आपको गिवन नहीं है शियर स्ट्रेस, तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्लेन है ये प्रिंसिपल प्लेन है और इस पे जो स्ट्रेसेस होगी वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होगी। तो ये वाली क्या हो जाएगी सिग्मा वन और ये वाली क्या हो जाएगी सिग्मा टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपको गिवन है सिग्मा वन 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, सिग्मा टू 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और इसको हमको सोल्व करना है मोहर सर्कल मेथड से। आपको थीटा भी जो गिवन है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल कंसिडर करेंगे। सो स्केल हमारे पास कितनी है, 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो गाइस सबसे पहले हमने एक स्केल कंसिडर करा जिसमें हमने 1 सेंटीमीटर को कितना लिया है, 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो जो सिग्मा वन है वो हम ग्राफ पे कितना रिप्रेजेंट करेंगे, 6 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास 120 है, डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे तो कितना जाएगा ये, 6 सेंटीमीटर। सिग्मा टू की बात करें, हमको 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर हमारा कितना है स्केल में, 20, सो डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा आपका, 3 सेंटीमीटर। तो जब हम ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सिग्मा वन को कितना लेंगे, 6 सेंटीमीटर, और सिग्मा टू को हम कितना लेंगे, 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमने एक्सिस लिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, ओरिजिन हो गया ओ। अब यहां से हमने जब रिप्रेजेंट करा 6, तो इसको हम 6 सेंटीमीटर ले लेंगे सिग्मा वन को, और सिग्मा टू को हम कितना ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर ले लेंगे। फिर उसकी मदद से हम एक सर्कल बनाएंगे जो कि हमारा क्या होगा, मोहर सर्कल। सो हम उसकी मदद से क्या बना सकते हैं, एक मोहर सर्कल बना सकते हैं सिग्मा वन एंड सिग्मा टू की मदद से। फिर यहां पे जो है हमारा, यहां पे एक सेंटर आ जाएगा 4.5 पे। अब यहां से हमको थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो हम यहां से इसको मेजर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अब 2 थीटा आपका कितना है, 60 डिग्री हो जाएगा, 2 × 30 60 डिग्री। तो आप यहां से क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री मेजर कर लेंगे। तो जब आप मेजर करेंगे तो ये आपका एफ पे कट करेगा, एफ से आप नीचे प्रोजेक्शन लाएंगे जी पर, तो ये आपका कितना हो जाएगा गाइस, सिग्मा टी। ये कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा टी। फिर आप स्ट्रेट एक्स वाई एक्सिस पे इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा एन। मीन्स जो आपका ओ और जी है वो कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा एन, और ओ एफ कितना हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट स्ट्रेस मीन्स आर। आगे देखते हैं गाइस, ये वाला जो आपका एंगल है ये कितना हो जाएगा, 5। तो हम डायरेक्टली इनको मेजर कर सकते हैं। जैसे ये मेजर हो जाएंगे उसके बाद हम इनको क्या करेंगे, जो भी हमने स्केल कंसीडर करी है उससे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। सो आपने क्या करा, लेंथ ऑफ ओ एफ, लेंथ ऑफ एफ जी, लेंथ ऑफ ओ जी, जो हमारी तीनों लेंथ है वो हमने मेजर कर ली। सो ओ एफ की लेंथ कितनी आ रही है, 5.411, एफ जी की लेंथ कितनी आ रही है, 1.3, एंड ओ जी की लेंथ कितनी आ रही है, 5.25। अब रिजल्टेंट स्ट्रेस जो है आपकी ओ एफ है, इधर देखिए ये जो ओ एफ है ये आपकी रिजल्टेंट स्ट्रेस है। तो हमने ओ एफ की लेंथ निकाल रखी है, उसमें हम क्या कर देंगे, स्केल का मल्टीप्लाई, तो 20 हमारी स्केल है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट स्ट्रेस कितनी आ जाएगी, 108.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नॉर्मल स्ट्रेस में जो लेंथ है ओ जी वो हमारी क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, तो उसमें हम क्या कर देंगे, इंटू 20 जो स्केल है, तो ये आ जाएगा आपका 105 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिमिलरली हम सिग्मा टी भी फाइंड कर सकते हैं, लेंथ एफ जी इंटू 20, तो लेंथ एफ जी कितनी है, 1.3 सेंटीमीटर, इंटू 20 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 26 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो गाइस ये डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। अगर आपको चेक करना है तो आप एनालिटिकल मेथड से जो आंसर से वो आप
वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि जो एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड है तो जो आंसर आते हैं वो सेम ही आते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। सो आप ग्राफ पे शो करके आप एनालिटिकल मेथड से आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट केस था जहां पे जो स्ट्रेसेस लग रही थी वो आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस थी। अब हम जो सेकेंड केस है वो देखेंगे जिसमें हम शियर स्ट्रेस भी लगाएंगे, मीन्स वो आपके फिर प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा और वहां पे जो स्ट्रेसेस होगी वो भी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं होगी। तो हम जब सेकेंड केस देखते हैं तो उसमें हम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सिग्मा वन, सिग्मा टू, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, तो इतनी सारी चीजें हमारे पास होती है निकालने को। सो ध्यान से देखना, सेकेंड केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो सेकेंड केस क्या है हमारे पास, When a body is subjected to two mutually perpendicular stresses and simple shear stress. So, हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको इजिली समझ में आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको सिग्मा एक्स दे रखा है 65 न्यूटन पर एमएम स्क्योर, सिग्मा वाई आपको गिवन है 35 न्यूटन पर एमएम स्क्योर, जो आपका टाउ गिवन है यहाँ पे 25 न्यूटन पर एमएम स्क्योर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस कब गिवन होगा और कब गिवन नहीं होगा, तो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है शियर स्ट्रेस पे, टाउ पर। सो यहां पे हम गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स 65 न्यूटन पर एमएम स्क्योर, सिग्मा वाई 35 न्यूटन पर एमएम स्क्योर, टाउ कितना लिखेंगे 25 न्यूटन पर एमएम स्क्योर, और जो आपका थीटा है वो कितना है 45 डिग्री। सो हमने गिवन लिख लिया। अब मोहर सर्कल मेथड से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मोहर सर्कल की स्टेप होती है वो क्या होती है, अपनों को स्केल लेना पड़ती है। तो स्केल में हम 1 सेंटीमीटर कितना ले लेते हैं 10 न्यूटन पर एमएम स्क्योर। तो जब हम इसमें स्केल लेंगे तो आपका सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा 65 बाय 10, तो ये कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर। जब हम सिग्मा वाई लिखेंगे तो 35 बाय 10, तो ये कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। टाउ कितना हो गया हमारा 25 बाय 10, तो ये कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। सो इसमें अब टाउ भी है तो हम उससे मोहर सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं तो वो समझते हैं। सबसे पहले हमने ये वाई एक्सिस ले ली और ये एक्स एक्सिस कंसिडर करा, फिर ओरिजिन ले लिया। अब ओरिजिन से सबसे पहले हम सिग्मा एक्स रिप्रेजेंट करेंगे। सो सिग्मा एक्स कितना है हमारा 6.5, तो सबसे पहले हमको सिग्मा एक्स लेना है, तो सिग्मा एक्स हमने ले लिया 6.5। फिर हमको सिग्मा वाई लेना है, तो सिग्मा वाई हमारा कितना हो गया 3.5। तो ये हो गया हमारा 6.5 और ये हो गया हमारा 3.5। तो गाइस सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई रिप्रेजेंट करेंगे। फिर सिग्मा एक्स से आप 2.5 जो है वो नीचे आएंगे, ये हमारा टाउ है तो 2.5 हम नीचे आए, और सिग्मा वाई से आप 2.5 ऊपर जाएंगे, तो ये हमारा 2.5 हो गया, ये हमारा 2.5 हो गया। सो बहुत इजी है, सिग्मा एक्स रिप्रेजेंट करा, सिग्मा वाई रिप्रेजेंट करा, 2.5 नीचे आए जो टाउ है वो, और यहां से आप 2.5 ऊपर गए क्योंकि ये हमारा टाउ है शियर स्ट्रेस। अब इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी डायमीटर हो जाएगी, मोहर सर्कल की जो डायमीटर होगी वो। तो बहुत सिंपल है कि हमने सिग्मा एक से 2.5 नीचे गए और सिग्मा वाई से 2.5 ऊपर गए, फिर दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने के बाद ये हमारी क्या मिल गई, डायमीटर, और इसकी जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे कट करेगी। तो हम यहाँ पे रेडियस कंसिडर करके एक मोहर सर्कल बना सकते हैं जो कि इन दोनों को कट करते हुए जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, मोहर सर्कल। नाउ अब जब ये एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा, तो जब वो इस यहां पे कट कर रहा है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा वन, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा वन, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी गाइस, सिग्मा टू। तो आपने डायरेक्टली सिग्मा वन एंड सिग्मा टू फाइंड कर ली है, आप इनको डायरेक्ट मेजर करेंगे तो आपके सिग्मा वन एंड सिग्मा टू आ जाएंगे। नाउ हमको नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड करना है, तो सिंपल है, आप ये जो आपकी डायमीटर है यहां से आप 2θ मेजर करेंगे, तो अभी आपका थीटा कितना है गाइस 45 डिग्री, तो 2θ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो आप यहां से 2θ मेजर करके उसको कट कर देंगे मोहर सर्कल पे, तो यहां पे ये कट हो जाएगा। फिर आप प्रोजेक्शन ले सकते हैं, तो आप प्रोजेक्शन लेंगे तो ये आपका सिग्मा टी हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे तो ये आपका सिग्मा एन हो जाएगा।
वापिस यहां से आप यहां से की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की, जैसे ये एफ हो गया, ये जी हो गया, ये हो गया, तो वही क्या आप क्या कर सकते हैं एफ जी और ओ एफ ओ जी क्या कर सकते हैं आप मेजर कर सकते हैं। तो जो आपका ओ जी आया वो कितना आ गया मान लीजिए 7.5 और एफ जी कितना आ गया 1.5, तो ये आपने मेजर कर लिए। अब आपको पता है कि स्केल कितनी है 10 है, तो आप 10 से क्या करेंगे इनटू करेंगे, तो आपका जो सिग्मा एन और सिग्मा टी वो आ जाएगा। रिजल्टेंट भी आप फाइंड कर सकते हैं, ओ एफ ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा गाइस रिजल्टेंट, और ये आपका फाइव हो जाएगा, मीन्स ये आपका रिजल्टेंट और ये आपका फाइव। तो इस तरीके से हम इसमें 6 चीजें फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट होती है आपकी सिग्मा एन सिग्मा टी, रिजल्टेंट स्ट्रेस, फिर एंगल ऑफ ऑब्लिग्विटी, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू। एक और चीज याद रखने वाली कि जो रेडियस होता है मोहर सर्कल का वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो अगर आपको पूछता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है, तो जो रेडियस है मोहर सर्कल का वही आपका क्या होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज एक ही सर्कल में हम कितनी चीजें फाइंड कर रहे हैं, 7 चीजें फाइंड कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको अच्छे से एक बार फिर देखना और खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना, तो बहुत इजीली ये आपको आ जाएगा। सो ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस कंप्लीट हो चुका है। ये हमने 3 पार्ट में करा है, तो अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं जिसमें हमने एनालिटिकल मेथड पढ़ी है, तो प्लीज गाइज आप पहले उनको देखें, उन वीडियोस को देखें। और हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम से प्लेलिस्ट बना दी है जहां से हमने बेसिक से स्ट्रेस स्ट्रेंथ चालू किया है, तो प्लीज आप वहां पर जाके उनको देख लीजिए ताकि आपको इजीली आगे की चीजें समझ में आ जाए, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जितने भी आपके दोस्तों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डाउट आता है तो वो आप इजीली उनको क्लियर हो जाए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।